अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कल हमने फ़ाइल और मफूल के साथ फ़ेल की मुताबिकत के कुछ असूल पढ़े थे और कुछ असूल आज पढ़ते हैं। तो अगला असूल है कि अगर दो फ़ाइल एक ही जिन्स से हों तो फ़ेल वाहिद होगा और उसकी जिन्स फ़ाइल के मुताबिक होगी। मसलन मुग़लों का वक़ार और दबदबा उनकी सियासी कमज़ोरियों की वजह से जाता रहा। यहाँ वक़ार और दबदबा चूँकि दोनों मुज़क्कर हैं और फ़ेल जाता रहा वाहिद मुज़क्कर, उसी हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह असूल है कि अगर फ़ाइल दो हो और उनके बाद दोनों का लफ्ज़ आए तो फ़ेल जमा आएगा, जैसे खलील और जमील दोनों अमरीका चले गए। और अगर फ़ाइल दो से ज़ायद हो और उनके बाद लफ्ज़ सब आ जाए तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल या इसम के मुताबिक आएगा। मसलन इसका कलम, किताब और कापियाँ सब गुम हो गई, तो कापियाँ जो हैं वो मुअन्नस के तौर पर और जमा भी हैं, इसलिए फ़ेल यहाँ पे गुम हो गई इस्तेमाल हुआ। अगर फ़ाइल दो से ज़्यादा हों, दो यानी हों या दो से ज़्यादा हों, तो उनके साथ आखिर में कोई या कुछ अगर आ जाता है लफ्ज़ तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। मसलन बाप, बेटा, भाई, बहन, कोई भी बाकी ना रहा, माल मता या जागीर कुछ ना बचा। और इसी तरह मुब्तदा इस्म जैसे जमात, ग्रोह वगैरह जो हैं, अगर ये इस्तेमाल हो रही हो तो और ख़बर वाहिद हो तो फिर फ़ेल भी वाहिद इस्तेमाल होगा। मसलन दस्ता, जा रहा है, फ़ौज आ रही है, इसे मुब्तदा इस्म कहते हैं। ये अगर जमा का है लेकिन ख़बर जो है वाहिद इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है तो फिर फ़ेल भी वाहिद इस्तेमाल होगा। अगर फ़ाइल दो या दो से ज़ायद ज़मीरें हों तो फ़ेल जमा इस्तेमाल होगा, जैसे मैं और अहमद शाही मस्जिद गए थे, हम और तुम इकट्ठे जाएँगे। इसी तरह किताबों, अखबारों और रिसालों के नाम खास जमा हों मगर उनके साथ फ़ेल वाहिद ही आता है, जैसे आज का ताज़ा अखबार आ गया है, मकतूबात इकबाल छप गई है। इसी तरह अगर दो इसम बग़ैर हरफ अतब के किसी जुमले में फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हों तो उनका फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा, जैसे मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते थे। और अगर इसम या फ़ाइल जो है एक मजमू के तौर पर आएँ तो फ़ेल वाहिद इस्तेमाल होगा, जैसे कमीज शलवार यहाँ रखी हैं। और अगर दो फ़ाइल रिश्तेदार हों और जुमले में हरफ अतफ के बग़ैर आएँ तो फ़ेल जमा आएगा, जैसे बाप, बेटा हज पर रवाना हो गए। इस तरह बहन, भाई स्कूल से वापस आ गए।